लेकिन हाथ गंदे हो गए। हाथ देखो मेरा ज्यादा सन गया ना, तो ये बेकार है, थोड़ी से फोड़ूंगा तो ये देखो ये लड्डू फूटने का, वहीं चिपक जाएगी, ये गलत है ना। इसमें पानी देखो, ये देखो क्या हो गया हाथ में। इसको आप कम से कम इतना गहरा तो मिलाओगे ना, कम से कम इतना गहरा ऐसे करके, मतलब 4 से 5 इंच से जुताई करते हैं, 5 इंच तक, 5 इंच तक तो इसको भी कम से कम 5 इंच तक तो मिक्स करना ही करना, कर 5 से 6 इंच का जैसे हम लोग जुताई करते हैं लैंड में, बिल्कुल सेम इसको वही सेम प्रोसेस करना है, ताकि इसके जो स्पोर बंद हो जाते हैं वो चोक खुल जाए, एरेशन बन जाए, ताकि आपको कम से कम 5 से 6 इंच का तक तो हमें मिक्स करना ही करना है, और डेले वेले ना हो, बनी रहेगी। एयर स्पेस बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट और आपका ये FYM कोकोपीट आता है, और ये परक्यूलाइट आता है, परक्यूलाइट का काम अगर इसमें कंपनी वाले, तो इसमें जो ये आप राइजोम जो है बहुत तेजी से और जगह में फैलेगा, उसका काम होता है एरेशन बनाना, लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं तो ध्यान देना जरूरी नहीं है, जो कंपनी कह रही है वो उतना ही करें। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया वर्टिकल फार्मिंग क्या है। ओके सर, कंपनी का ये ड्रीम प्लान है और इसी के वजह से सर वो जो बता रहे थे 40 बक्स सर वो जानकारी दे दीजिए। ये वर्टिकल जो है ना जितने कट रहे हैं 10 घंटा में खड़ी है, ये एरिया 10 घंटा है, इतना ही मेरा एरिया है, हाँ, और बाकी का पूरा एरिया मिला के 10 घंटा है। कैसे निकालते हैं आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखना जी, सब समझ आ जाएगा। चौड़ाई लंबाई सब नापना, लंबाई गुणा चौड़ाई नाप करके घंटा निकलता है। एक एकड़ में हमेशा प्रणाली है, मतलब जैसे SI यूनिट होता है ना, उसी एक इकाई है मात्रक, उसका शॉर्टकट नाम दे दिया है, वो सब यूट्यूब पे निकल के आ जाएगा। जैसे एरिया एरी कैसे निकालें, इसकी लंबाई नापते हैं, गुणा चौड़ाई नापते हैं, और किसी देश की यूनिट है ना, मात्रक यूनिट गुंटा होता है, गुंटा वही होता था जैसे जिस यूनिवर्सिटी जहाँ से मतलब कोई चीज इन्वेंट होती है वो अपनी जगह पे नाम दे देते हैं। हाँ हाँ, जैसे पॉली हाउस के लिए नहीं एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुंटा इस्तेमाल कर रहे हैं, बात वही है, मतलब भाषा वही रहेगी, ये सब ज्यादा चेंज कर देते हैं। इसको इसमें फंस के आता भी अंदर तक खोदोगे, मुझे लगता है कि कोरिएंडर भी लगाया था क्या, कोरिएंडर लगाया था। हाँ, मेडिसिनल प्लांट नहीं होते हैं, मेडिसिनल भी होते हैं, बट यहाँ ये कोरिएंडर वगैरह ये ओकरा इसलिए लगा दिया था कि समय हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, और यहाँ पे ना हल्दी थोड़ी खराब हो गई थी। ये कंपनी हमको अफोर्ड करती है ओनली हल्दी का।